टीके क्लियर्ड ब्लॉग चैनल में आप सबको स्वागत है। आ गया हूँ और एक नया डिजाइन वीडियो के साथ। आज जो डिजाइन दिखाने जा रहा हूँ एक कल का डिजाइन। आप बैकग्राउंड में इस डिजाइन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मेजरमेंट साइज ए है 8 इंच। आठ इंच का अंदर इस डिजाइन को आप उपलब्ध कर सकते हैं। मैंने कोशिश किया एक ट्रेडिशनल बंगाली एक ट्रेडिशनल डिजाइन को कॉपी करने का। पता नहीं आपको कैसा लगेगा, तो जो भी हो आप लास्ट तक देखते रहिए इस वीडियो को। एक पहले एक सांप का फना जैसा मैंने बना लिया, ये आप गौर से फॉलो कीजिएगा और ज़रूर घर पे कोशिश कीजिएगा। बहुत सारा दोस्त मेरे वीडियो देखने के बाद मुझे उस वीडियो को देखने के बाद जो घर पे कोशिश किया है उन्हें फोटो भेजते हैं, मुझे बहुत खुशी आ जाता है। आप लोग जो जो लोग इस काम पे इंटरेस्ट है, इस वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा। अच्छे से ट्राई करें तो आप ज़रूर कामयाबी होंगे। एक लाइन मार लेंगे, एक जो डिजाइन बनाने जा रहा हूँ उसी के लिए ये लाइन सही से मारना जरूरी है। कैसे भी मैंने हाथ से लाइन दे रहा हूँ, अब स्किल से परफेक्ट लाइन मारे तो इस डिजाइन बहुत बेहतरीन हो जाएगा। मैंने कैजुअली बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। आप जब कीजिएगा इस लाइन को परफेक्ट मेजरमेंट लेकर कीजिएगा तो काम बहुत परफेक्ट हो जाएगा। चटाई का डिजाइन कैसा होती है इसमें वैसा डिजाइन मैंने डालने का प्रयास करेंगे। ये थोड़ा डिफिकल्ट होती है, कोई बात नहीं, आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये जो डिजाइन बनाने जा रहा हूँ बंगाली में इस डिजाइन को कुला कहा जाता। पहले का ज़माने में बहुत इसको इस्तेमाल होती थी। चाल या गेहूँ साफ करने का वास्ते। अभी ज़माना बदल गया, अभी इस चीज़ को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। ये पुराना ज़माना में बहुत यूज़ होता था। ये चटाई का शेप में मैं बना लिया, ठीक है, आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये जो स्केच मैंने किया हूँ आप ज़रूर आपको समझ में आ गया। बस मेरा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया, अभी इसको और भी डेकोरेटेड करना होगा। यहीं पे लास्ट नहीं है, और भी खूबसूरत बनाना है।
बस ये भी कर लिया हूँ। अच्छा से फिनिशिंग करना, फिनिशिंग करके इसको बनाना है। कुछ इधर उधर हो जाएगा तो उतना मज़ा नहीं आएगा इस डिजाइन को देखकर। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके साथ रहिएगा। और जिन दोस्त ने पहले से सब्सक्राइब करके रखे हैं, जो जिन दोस्त मेरे मेरे चैनल का रेगुलर फॉलो करते हैं, उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। ऐसा डिजाइन अगर आप इंडिया का कौन सा भी कोने से घर बैठ के ख़रीदना चाहते हैं तो इस चैनल, इस जो स्क्रीन पे जो नंबर दिया हूँ, इस नंबर पे ज़रूर कॉल कीजिएगा। मेरा नंबर 9032711649, 9032711649। नौ शून्य 3271169 इस नंबर पर कॉल करके आपका मनपसंद डिजाइन आप खरीद कर सकते हैं। मैंने पहले कहा था कौन सा भी डिजाइन में बटन डालना ज़रूरी है। बटन नहीं डाले तो वो डिजाइन का उतना मज़ा नहीं आएगा। कैसा लगा इस वीडियो लास्ट तक आप ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। और आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं वो कहेगा ज़रूर। ये जो चार तरफ मिट्टी लगाने का बात, वो जो पहले से डाई से मैंगो और डिजाइन में प्रोडक्शन करके रखे हैं उसको फिटिंग करेंगे। लेफ्ट राइट दोनों तरफ का मैंगो देके फिनिशिंग कर फिटिंग करेंगे। आप ज़रूर पहले डिजाइन बनाने के पहले मैंगो का छोटा छोटा दो पीस बना के उसको डाई बना लीजिए ज़रूर, क्योंकि ऐसा नहीं करे तो एक एक करके मैंगो सारा बनाना बोले तो काफ़ी टाइम लग जाता, वीडियो भी बहुत लॉन्ग हो जाता और एक जैसा पूरा नहीं होता। इस जिसके वजह से मैंने पहले से मैंगो को बना के रख दिए थे। बस बिल्कुल लास्ट में आ गए हूँ। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज़रूर बताइएगा। ये जो बीच में जो सिंबल बनाने जा रहा हूँ, एक बंगल का एक, इसको क्या कहा जाता है, इसको स्वस्तिक। एक्चुअली हम लोग का वैदिक स्वस्तिक ऐसा नहीं होती है, लेकिन क्या करें, यहाँ पे ऐसा ही चलता है और ऐसा ही मुझे ऑर्डर मिला है जिसके वजह से ऐसा स्वस्तिक मुझे बनाना पड़ रहा है। अगर आप इंडिया का कौन सा भी कोने से ऑर्डर करें तो इस स्वस्तिक को मैंने चेंज करके जैसा वैदिक स्वस्तिक होती है ऐसा वाला स्वस्तिक बना के आपको भेज सकते हैं। बस बिल्कुल लास्ट में आ गया हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर कहिएगा। ये पीछे वाला नारियल वाला और कलसम वाला और जो डिजाइन देख रहे हैं उसका साथ इसका साथ मिला के आप ऑर्डर कर सकते हैं। बीच वाला जो स्वस्तिक सिंबल है उसको
जो वैदिक स्वस्तिक है उसको बना के दे सकता हूँ। ये डिजाइन लेके आप आपका बैकग्राउंड खूबसूरत कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे और एक वीडियो के साथ। बाय बाय।